रंजन कुमार, एमपीएस विद्या मंदिर तिलोता। मैं आप लोगों को भूगोल के बारे में बताने आया हूँ और हम आप लोगों के बीच में भूगोल विषय के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले है भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जब रवि, तो हम लोग जान गया भूगोल। भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जब रवि। अब है परिचय। भूगोल के बारे में हम तुम लोग को विस्तार से बताएंगे और उसका परिचय करवाएंगे। है क्या भूगोल? दो शब्दों से बना है। भूगोल कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है। भूगोल में दो शब्द है। पहला है भू तथा गोल। पहला क्या है? भू। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और गोल मतलब क्या होता है? गोलाकार। चलो सबसे पहले क्या है भूगोल? भूगोल को हम लोग कितने भागों में? दो भागों में बांटे गए हैं। भू का अर्थ है पृथ्वी। भू का क्या अर्थ है? भू का अर्थ है पृथ्वी। भू का क्या अर्थ है? पृथ्वी। और गोल का, गोल का क्या अर्थ है? गोल का अर्थ है पृथ्वी का गोलाकार। गोल का क्या अर्थ है? पृथ्वी का गोलाकार। इतना समझ गए हम लोग। भूगोल को हम लोग इसमें क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। और भूगोल दो शब्दों से बना है, सो हम लोग जान गए भू तथा गोल। अब उसका है भू, भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ होगा पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में हम लोग तो जान गए हैं भूगोल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। उसका स्वरूप है अंग्रेजी में, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी उसका रूप है, स्वरूप है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी लैटिन शब्दों से बना है। ज्योग्राफी किस शब्दों से बना है? इंग्लिश में ज्योग्राफी दो लैटिन शब्दों से बना है। जब जियो, जियोग्राफी उसका मतलब क्या है? जियो मतलब क्या होता है? अब हम यहाँ पर जानेंगे जियो तथा ग्राफी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पहले जियो का। तो जियो क्या है? जियो का अर्थ है पृथ्वी। क्या है? जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। बच्चों ध्यान दो, यहाँ क्या है? जियो तथा ग्राफी। जियो तथा ग्राफी। तो सबसे पहले हमें यह शब्द बना है लैटिन शब्दों से बना है, दो लैटिन शब्दों से बना है ज्योग्राफी। तो पहला है जियो। क्या है पहला? जियो। तो जियो, जियो का अर्थ है पृथ्वी। जैसे हम वहां भू का अर्थ बताए पृथ्वी, उसी प्रकार जियो का अर्थ है पृथ्वी। ठीक है, चलो अब है ग्राफी। तो ग्राफी का क्या है? ग्राफी पृथ्वी का वर्णन करना। ग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना। यहाँ दो लैटिन शब्दों से बना है। पहले तो यहाँ बना था भूगोल, दो शब्दों से बना था। पहला था भू तथा गोल। तो यहाँ भूगोल का हम शब्द जान गए, यहाँ है उसी का स्वरूप ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी दो लैटिन शब्दों से बना है ज्योग्राफी, जियो तथा ग्राफी। सब जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है उसका वर्णन करना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? जियोग्राफी पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। चलो अब है परिभाषा। अब भूगोल का जो है परिभाषा, भूगोल का परिभाषा क्या है? यहाँ हम आए जब तो हम यहाँ तो इतना जान गए। अब है परिभाषा। परिभाषा में क्या है? हम परिभाषा जानेंगे। एस्ट्रेबो के अनुसार, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य उस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, सागर, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति तथा भू धरातल पर की जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ एस्ट्रेबो के अनुसार हम परिचय कराएंगे। एस्ट्रेबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। क्या है? भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, इससे कोई दायरा कहीं पर नहीं है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय, हम भूगोल जो हम पढ़ते हैं उसमें ये नहीं, जैसे साइंस में है तो ऐसा ऐसा है, जैसे भूगोल में है तो भूगोल में क्या होता है? हम भूगोल में सभी चीज़ पढ़, जंतु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, जल विज्ञान है, ऋतु विज्ञान है, इसका कोई गहरा नहीं है। वह एक स्वतंत्र विषय है, इसमें जो पढ़ना है पढ़ो।
क्या है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है? भूगोल का उद्देश्य क्या अब है? जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य भूगोल का एक उद्देश्य है उस विषय का आकाशीय पिंडों मतलब आकाश में जो पिंड होता है आकाशीय पिंडों का स्थल मतलब जो जमीन होता है हम लोग भू कहते हैं धरातल कहते हैं धरातल का तथा जितने भी सागर और महासागर है छोटे छोटे नदी बड़ी नदियां और उससे भी बड़ा नदियां उसके बाद है जीव जंतु जितने भी जीव जंतु है देखो यहाँ पर है स्थल सागर महासागर जीव जंतु तथा वनस्पति जितने भी जीव जंतु है उसके बाद है वनस्पति वनस्पति क्या है पेड़ पौधे के बारे में तथा भू धरातल पर किए जाने भू धरातल मतलब इस धरातल पर इस पृथ्वी पर जितने भी कार्य किए जाते हैं ज्यादा जितने भी वस्तुएं हैं जितने भी सागर है जितने भी महासागर है सबका जो हमें ज्ञान प्राप्त कराता है उसे हम क्या कहते हैं विज्ञान उसे हम विज्ञान महासागर विज्ञान और सागर हम ज्ञान प्राप्त कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भूगोल कहते हैं। अब है यहाँ तो हम लोग जान गए किसके अनुसार हम लोग परिचय किए हैं स्ट्रैगो के अनुसार भूगोल एक ऐसा भूगोल है जो स्वतंत्र विषय है उसका कोई दायरा नहीं है वो भूगोल में हम हर चीज अध्ययन कर सकते हैं। अब है सबसे पहले अब है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है चलो भूगोल का सबसे पहले भूगोल का जनक कहा जाता है हेकेटियस को किसे कहा जाता है हेकेटियस भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं भूगोल का जनक हम लोग कहते हैं हेकेटियस को भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं हेकेटियस को। अब है भूगोल का जनक कोई अगर कुछ सवाल पूछेगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है हम लोग क्या कहेंगे भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। अब है भूगोल की शाखाएं भूगोल कितनी शाखाएं हैं दो शाखाएं हैं पहला शाखा है भौतिक भूगोल में क्या सब भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो सबसे पहले है हम लोग जाना जानेंगे भौतिक भूगोल क्या है भौतिक भूगोल जंतु विज्ञान समुद्र विज्ञान क्या है भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान समुद्र विज्ञान राजनीतिक विज्ञान और तो हम लोग भूगोल की दो शाखाएं पहला है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान जिसे हम जीव जंतु के बारे में और समुद्र विज्ञान मतलब नदी नाला सागर महासागर उसके वो सब आ गया भौतिक भूगोल में। तो भौतिक भूगोल में जीव जंतु के बारे में जितना होंगे वो सब आ गया और जो नदी है समुद्र है नाला है सागर है महासागर है वो सब आ गया भौतिक भूगोल में। अब है मानव भूगोल में क्या होता है मानव भूगोल में राजनीति का जो ज्ञान हमको कराता है उसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक भूगोल और जैव भूगोल। मानव भूगोल में होता है राजनीतिक और जैव भूगोल। यहाँ पर चलो यहाँ पर तुमसे कोई सवाल पूछेगा ज्योग्राफी किन शब्दों से बना है हम लोग क्या करेंगे ज्योग्राफी लैटिन के दो शब्दों से बना है उसके बाद तुमको पूछेगा भूगोल कितने शब्दों से बना गया है तो तुम लोग कहना भूगोल दो शब्दों से बना है भू तथा गोल से। यहाँ पूछेंगे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है हेकेटियस और भूगोल के कितने शाखा है तो भूगोल के दो शाखा है भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। ठीक है चलो यहाँ से हम लोग इतना करके आएंगे।